तो ये पिछले क्लास में हम लोग 608 में हम डिस्कस किए थे की विलेज स्कीम के बारे में, है ना। की विलेज स्कीम जो तुम्हारा कब स्टार्ट हुआ था बताओ, 52 में, 1952 में। की विलेज स्कीम का मेन मेन कंपोनेंट क्या था कि इसमें जो है जो स्क्रब बूल था उसको हटाया गया ब्रीडिंग से, है ना। तो बढ़िया क्वालिटी का बूल जो था, प्रोवेन बूल जिसको बोलते हैं, उसको ब्रीडिंग में लाया गया, ठीक है। फाउंडर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया और जो है एआई टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, ये सब उसका जो है मेन हाईलाइट था की विलेज स्कीम का, ठीक है। वो फेल्योर भी हुआ, फेल्योर होने के रीजन भी थे ना, लोग पहली बार चूंकि गांव में बाहर के लोग आए, एक्टिविटी वहां पे किए, तो गांव के लोग थोड़ा सा जो है सरप्राइज भी हुए देख करके कि भाई पहले कभी कोई आया नहीं, है ना। पहले कभी गांव में कोई स्टेशन वर्कर या कोई बाहरी आदमी कभी जाता नहीं था, और जब पहली बार जब वहां पे लोग जब पहुंचना शुरू किए तो थोड़ा सा गांव के लोग को मतलब सस्पिशन होता था ना, ये पता नहीं ये बाहरी आदमी आया है, कह रहा है कि अपना देसी बुल को हटा दो, विदेशी बुल को जो है रखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो, है ना, नेचुरल जो ब्रीडिंग होता था कहता उसको बंद करो। तो थोड़ा सा जो है लोगों में भरोसा नहीं हुआ, इस वजह से पीपुल्स का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और प्रोग्राम जो है सक्सेस नहीं किया, ठीक है। तो ये सब मेन हाईलाइट था की विलेज स्कीम का। दूसरा एक एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट था वो था तुम्हारा इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईसीडीपी, ठीक है, जो 1964-65 में लॉन्च हुआ था। तो आज उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, आईसीडीपी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था वो। रेडी कर रहा है स्क्रीन, सर ठीक तो आईसीडीपी जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ आईएडीपी। आईएडीपी क्या था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जो लमसम उसी समय में लॉन्च हुआ था। तो ये एग्रीकल्चर का प्रोग्राम आईएडीपी था, उसी के पैटर्न पर जो है आईसीडीपी यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये नेचुरली तुम 1951 से अगर कैलकुलेट करोगे कौन से 5 ईयर प्लान्स में जाता है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में जाता है। ये पीरियड जो है 64-65 का थर्ड 5 ईयर प्लान में चला जाता है। इट वॉज इनविसेज इन द ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलोस एंड इन द मिल्क सेट्स ऑफ लार्ज डेयरी प्रोजेक्ट। इसका मेजर जो एक्टिविटी किया गया जहाँ पे कैटल और बफेलो का पॉपुलेशन ज्यादा था और जहाँ डेयरी प्रोजेक्ट बहुत बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुआ था वहां पे इसको स्टार्ट किया गया, लिंक्ड विद द डेयरी प्लांट्स। उस समय के जितने डेयरी प्लांट थे उससे इनको आईसीडीपी प्रोग्राम को जोड़ा गया, ठीक है। ईच आईसीडीपी वाज एक्सपेक्टेड टू कवर 1 लाख ब्रीडेबल फीमेल बोवाइन पॉपुलेशन एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट्स एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो एक आईसीडीपी प्रोग्राम जो था वो 1 लाख ब्रीडेबल फीमेल बोवाइन यानी
बोवाइन क्या हुआ? कैटल, ठीक है, कैटल बफेलो से बोवाइन में आया। तो 1,00,000 ब्रीडेबल कैटल बफेलो के लिए एक आईसीडीपी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखो जैसे कि तुम्हारा की विलेज स्कीम पूरा सक्सेस नहीं किया था, ये हमारा आईसीडीपी भी मतलब सक्सेस नहीं हुआ। देखो इतना इतना जानकारी में रखना कि लगभग ज्यादातर पहले का समय का ज्यादातर प्रोग्राम जो है वो सक्सेस नहीं किए थे। ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 5-year प्लान्स का है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये 3rd 5-year प्लान हमारा 1961 से 66 में था, चला था, ठीक है। ये तुमको हम दे देंगे, हमारा 5-year प्लान्स का टोटल अभी तक का टोटल 11 तक चला था, 2012 तक जो है 5-year प्लान्स चले थे, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो जितने भी प्रोजेक्ट हुए लगभग वो ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाए थे, और हरेक का रीजन था सक्सेस नहीं करने का। ये जो हमारा आईसीडीपी जो सक्सेस नहीं किया, इसके पीछे रीजन था कंसिडरेबल टाइम लैग इन द प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वेरियस इनपुट्स, ठीक है। तो समय पे जो है इनपुट्स यानी कि जो कैटल ब्रीडिंग के लिए चाहिए वो समय पर नहीं पहुंचाया जा सकता था, ये एक रीजन था ये प्रोग्राम जो है आईसीडीपी सक्सेस नहीं किया। दूसरा था सेट बैक ट्रांसफरिंग आईसीडीपी टू अ स्टेट सेक्टर विद फाइनेंशियल कट्स रिजल्टिंग इन डाइल्यूशन ऑफ इनपुट्स। आईसीडीपी को क्या किया गया था, स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, कि आप लोग इसका कंट्रोलिंग कीजिए, आप लोग इसका संचालन कीजिए। अब देखो आईसीडीपी को लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट इमीडिएटली। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा स्टेट का पार्टिसिपेशन अच्छा से नहीं हो पाया, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए तैयार नहीं थी पहले से। उसके पहले जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था IADP, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस उस पर था क्योंकि ठीक उसके पहले लॉन्च हुआ था, और उसी समय जो है इसको हैंड ओवर कर दिया गया आईसीडीपी को भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। फिर एक और रीजन था वेस्टेज ऑफ सीमेंट टू द ट्यून ऑफ 30-40% आउट ऑफ सप्लाइड टू प्रोजेक्ट एरिया। अब देखो सीमेंट जो है हमारा वो प्रिजर्वेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए, कंटेनर चाहिए, सीमेंट बैंक चाहिए, ठीक है। देखते हो गए हम लोग वेटरनरी कॉलेज के पीछे देखे हो हमारा फ्रोजन फ्रोजन सीमेंट का बैंक है, फ्रोजन सीमेंट बैंक है ना, जो प्लानिंग वाला हम लोग का है बिल्डिंग, उसके ठीक पीछे है, और एक बड़ा सा जो है गैस प्लांट की तरह बना हुआ है सीमेंट बैंक। तो सीमेंट के लिए स्टोरेज के लिए फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए, ठीक है, तो वो चीज नहीं था, इसकी वजह से 30-40% जो है सीमेंट वेस्टेज हो गए, यानी डेट कर गया, वेस्टेज ही हो गया, ठीक है। डेयरी एक्सटेंशन ऑफिसर पोस्ट नॉट फिल्ड अप इन द मोस्ट ऑफ द आईसीडीपीस वेयर एंड वेयर पोस्टेड कन्फाइंड मोस्टली टू नॉन एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो जो जहां जहां स्टेट में लोग आईसीडीपी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था वहां पे डेयरी एक्सटेंशन ऑफिसर जो है यानी वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जो है वो स्टेट नहीं था, तो इसको लाइजनिंग कौन करता, इसका कोऑर्डिनेशन कौन करता,
कोऑर्डिनेशन तो एक वेटरनरी डॉक्टर ही कर सकता है, इसका मॉनिटरिंग एक वेटरनरी डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है। तो उसकी कमी थी। और वे आर पोस्टेड कन्फाइंड मोस्टली टू नॉन एक्सटेंशन एक्टिविटीज, यानी जहां वेटरनरी डॉक्टर पोस्टेड थे उन लोगों को नॉन एक्सटेंशन एक्टिविटी में ज्यादा शामिल कर दिया गया था, ठीक है। इससे दूसरे काम में अभी भी होता है, ब्लॉक एंड मैनेजमेंट्री के यहाँ जाओगे वो लोग राशन की राशन में, लाल कार्ड पीला कार्ड बांटने में, ठीक है, जनगणना में, तो ये सब चीज में व्यस्त रहते हैं लोग। वेटरनरी डॉक्टर हमारा जो ब्लॉक एंड मैनेजमेंट्री ऑफिसर है, तो ये जो नॉन एक्सटेंशन एक्टिविटीज है उसमें इंगेज कर देने की वजह से भी ये हमारा प्रोग्राम ICDP बहुत हद तक सफर किया। एट प्रेजेंट इन मेनी स्टेट्स आर मर्ज विद एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स एंड नो फंड्स आर एलोकेटेड सेपरेटली टू ICDP। अभी वर्तमान के समय में भी ICDP प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, लेकिन इसको क्या किया गया है कि जो दूसरे एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए रिसेंटली, जो प्रोग्राम आ रहा है जैसे RKVY वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें उसको मर्ज कर दिया गया। और जो है इसके लिए स्पेशल अलग से फंड जो है नहीं रखा गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो है सक्सेस ICDP उतना ज्यादा नहीं कर पाया। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ना, सीमेन बैंक, CDP, DEO, SDO, एनिमल हस्बेंड्री, फॉर्डर डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में रहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर पोल्ट्री, एडिशनल डायरेक्टर पिगरी स्टेट, फिर यहाँ पे सेक्रेटरी होता है, वाइस सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, ये स्ट्रक्चर है सेंट्रल सीमेन बैंक का। ये ICDP के ही अंतर्गत जो है इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया था, इस एक सेंट्रल सीमेन बैंक बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल सीमेन बैंक में चार इसमें जो है चार रीजनल सेंटर बनाए गए, ठीक है, रीजनल AI सेंटर, चार एक सीमेन बैंक के अंतर्गत जो है चार रीजनल AI सेंटर बनाए गए, ठीक है। और हर एक को जो है लगभग 25-25 स्टॉकमैन सेंटर से जोड़ा गया था, ठीक है। तो कितना कवर कर रहा था, 1 लाख ब्रीडेबल कैटल एंड बफेलो पॉपुलेशन। पहले बताया था ना कि 1 लाख जो है बोवाइन पॉपुलेशन से, जो है फीमेल बोवाइन पॉपुलेशन से उसको जोड़ा गया था। ये उसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। जी प्रणाम सर। बोलिए सर, क्लास ले रहे हैं। अच्छा, हम नहीं देखेंगे सर इस बार हम ऑनलाइन वाला नहीं देखेंगे सर, थोड़ा देर के बाद हम कॉल करते हैं। एक्चुअली क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, हम कॉल बैक करते हैं सर। हाँ चलो, ये स्ट्रक्चर था एक सेंट्रल सीमेन बैंक का, जिसको मैं हर एक जो है प्रोजेक्ट में ICDP प्रोजेक्ट में चार रीजनल AI सेंटर बनाए गए थे, ठीक है, जो हर एक प्रोजेक्ट में चार रीजनल AI सेंटर था जो कि स्टॉकमैन सेंटर से जुड़ा हुआ था, यानी एक रीजनल AI सेंटर 25 स्टॉकमैन सेंटर से जुड़ा हुआ था, टोटल 100 जो है स्टॉकमैन सेंटर, जहां पे कि सीमेन को स्टॉक करके
रखा जाता था लोकल लेवल पे। ठीक है, ये देखो सेंट्रल सीमेंट बैंक जो हो गया, जिस राज्य में एक ही रहता है, हमारे बिहार में देखोगे जो हमारा प्लानिंग सेल के पीछे जो लगा हुआ है वो सिर्फ एक है। ठीक है, वहां से जाता है रीजनल एआई सेंटर को जाता है, अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हमारे बिहार गवर्नमेंट में भी अभी भी ये सिस्टम जो है फॉलो अप होता है। वहां से जो है जो लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर में भर भर के सीमेंट जो है रीजनल एआई सेंटर जाता है, यानी जैसे हमारा राज्य में 9 रीजन बना हुआ है ना, अलग अलग कमिश्नरी बना हुआ है, तो सभी अलग अलग कमिश्नरी में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर रीजनल एआई सेंटर बना हुआ है, और उसके बाद वहां से जाता है कहां, अल्टीमेटली स्टॉकमैन सेंटर के पास, जो कि लोकल लेवल पे स्टॉक करके रखते हैं। वो छोटा सा जो कंटेनर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, उसमें रहता है, जो कि मोटरसाइकिल पे भी लोड कर सकते हैं। और AI करने लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन की विलेज स्कीम एंड ICD, तो ये देखो दोनों जो हमारा ये प्रोजेक्ट जो था, की विलेज स्कीम भी काफी इम्पोर्टेंट था एनवायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से देखे तो, और ICDP भी काफी इम्पोर्टेंट था। तो ICDP जो है दोनों का ईयर में एक तो अंतर है, की विलेज स्कीम 52 में स्टार्ट हुआ था और ICDP 64-65 में स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्टिंग डेट बता रहे हैं। ठीक है, ये जो है घोषणा हुआ था 63-64 में। ठीक है, तो ये डेट नहीं लिखना है, तुमको पहले बता देते हैं, क्योंकि जनरली प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चन जब आता है तो वो लॉन्च कब हुआ था ये करके आता है, तो प्रोग्राम लॉन्च जो है कब किया था। अदरवाइज होता क्या है कि प्रोग्राम की घोषणा काफी पहले कर दी जाती है, 1-2 साल पहले घोषणा होता, लॉन्च होते होते 1-2 साल निकल जाता है। ठीक है, तो तुमको जो है किस चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा, प्रोग्राम जो लॉन्च होता है उसका डेट। दोनों का एम में क्या था, इम्प्रूवमेंट, देखो की विलेज स्कीम में था इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ मिल्च एनिमल्स। ठीक है, जो दुधारू एनिमल था उसका हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा उद्देश्य था, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउस एंड बफेलोस। यहाँ भी मोर ऑर लेस सेम एम था, जो हमारा काऊ और बफेलो ही मेन, तो मिल्च एनिमल वही ना है, गोट तो हमारा बहुत कम सा कंट्रीब्यूशन होता है मिल्क में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्टिविटी सेम हुआ। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन इसमें अंतर था, देखो की विलेज स्कीम में क्या था कि की विलेज ब्रीड इन द ब्रीडिंग ट्रैक्ट बोवाइन ईच ब्लॉक हैड 1 AI सेंटर एंड 4 की विलेज यूनिट टू कवर 10,000 ब्रीडेबल फीमेल कैटल बफेलो। और ICDP जो है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कितना कवर एरिया कितना कवर करता था, कवर 1 डिस्ट्रिक्ट विथ ए सीमन बैंक, 4 रीजनल AI सेंटर एंड अबाउट 100 स्टॉकमैन सेंटर, अभी जो स्ट्रक्चर जो बताए थे उसके हिसाब से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर बनाया गया था, एक्टिविटीज में भी देख लो, इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग थ्रो AI, इम्प्रूव्ड फीडिंग, इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग ETC। ICDP में क्या किया गया था, बेंचमार्क सर्वे एंड डेयरी एक्सटेंशन वेयर एडेड टू एक्टिविटी। ठीक है, इसमें डेयरी एक्सटेंशन को जोड़ा गया था ICDP में, नंबर ऑफ सेंटर इसमें डिफरेंस था, स्टार्टेड इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया की विलेज स्कीम जो है, वेयर रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स आर अवेलेबल, लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू एरिया वेयर रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स वेयर नॉट देयर। ठीक है, पहले स्टार्ट कहाँ किया गया, जहाँ पे रिकॉग्नाइज ब्रीड्स पहले से थे, जैसे हरियाणा हो गया, साहिवाल हो गया, रेड सिंधी। ठीक है, तो ये सब का ब्रीड रिकॉग्नाइज था, वहां पे पहले स्टार्ट किया गया, बाद में जो है उसको जिस एरिया में कोई रिकॉग्नाइज ब्रीड नहीं था वहां भी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ICDP में क्या हुआ था, सेंटर कहाँ था, स्टार्टेड एट द सेंट्रल स्कीम,
with four central ICDPs. ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है चार जगह पर लॉन्च हुआ था, गुड़गांव, करनाल, हरियाणा और बीकानेर, ठीक है, मेरठ इन उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च हुआ था. लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू मेनी डिस्ट्रिक्ट एज स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, शुरू में स्टार्ट किया गया था यही चार पांच स्टेट से, ठीक है, गुड़गांव और करनाल हरियाणा में जो है पड़ता है दोनों, बीकानेर जो राजस्थान में पड़ता है, मेरठ जो यूपी में पड़ता है, ठीक है, यही तीन स्टेट से लॉन्च किया गया था. उसके बाद जो है दूसरे राज्यों में भी इसका एक्सटेंशन किया गया था. की विलेज स्कीम जो है 1962 में खत्म हो गया और आईसीडीपी जो है इट इज क्लोज्ड इन फेजेस एंड नाउ आईसीडीपीज वर मर्ज विद द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ एच डिपार्टमेंट. ये फेज वाइज इसको क्लोजिंग किया जा रहा है और अभी भी जो है जो पहले से कोई ये तो पहले से चला आ रहा प्रोग्राम है और अभी जो एग्जिस्टिंग एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स जो स्टेट के लॉन्च हुए हैं उसमें इसको मर्ज कर दिया जा रहा है, ठीक है. तो जो नया प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं उसको उसमें पुराना प्रोग्राम को जनरली मर्ज कर दिया जाता है. ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, हम तुमको दिखलाएंगे. वो जो हमारा हमारा क्रोनोलॉजी जो बना हुआ है रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है, वो पीडीएफ फाइल में जो हम अभी तुमको दिखला रहे थे कि उसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो पहले से या प्रोग्राम्स जो पहले से चल रहे थे उसको नए प्रोग्राम में मर्ज कर दिया जाता है. ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ये पैसा बचाने के लिए भी इसको कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है. और दूसरा जो है वो लार्ज स्केल पे हो, ठीक है, उसके लिए भी ऐसा किया जाता है. कन्वीनियंस हो, कम पैसा में जो है दो तीन प्रोग्राम चलेगा, नहीं समझे, तो उस वजह से ऐसा किया जाता है. रीजंस फॉर फेल्यूअर, की विलेज स्कीम क्यों फेल कर गया था, सेंटर वेयर ओपेंड वेयर देयर वेयर नो रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ कैटल एंड बकरी, ठीक है. इसका मेन रीजन क्या था की विलेज स्कीम का, एक तो पीपुल का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, दूसरा था कि जहां पे कोई रिकॉग्नाइज ब्रीड नहीं था वहां पर भी सेंटर खोल दिया गया था. आईसीडीपी जो है इसका फेलवर का रीजन था कंसिडरेबल टाइम लैग इन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वेरियस इनपुट, शॉर्टेज ऑफ फंड, वेस्टेज ऑफ सीमेंट, ठीक है. बताया ना तुमको कि 40% से ज्यादा सीमेंट तो वेस्ट हो जाता था क्योंकि बढ़िया से कोई फ्रोजन सीमेंट बैंक जो है बना हुआ नहीं था और सीमेंट प्रिजर्वेशन का कोई बढ़िया से कोई फैसिलिटी पहले से नहीं था, ठीक है. तो क्लियर है जितना बताए हैं, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर. चलो ठीक है, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं क्लास. कल फिर जो क्लास होगा फिर से कल ज्वाइन करेंगे, ठीक है.